हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जीएसटी की ऑफिस में छापेमारी की है। कमिश्नर की छापेमारी से अधिकारियों और कर्मचारियों में के विभाग में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने बायोमेट्रिक हाजिरी भी चेक की है। इस दौरान जीएसटी के अधिकारी मौके से नदारद रहे। कमिश्नर दीपक रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं कि समय समय पर सभी शासकीय ऑफिस में जाकर के चेकिंग अभियान चलाया जाए, ताकि यह पता चल सके कि शासकीय ऑफिस में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं भी या नहीं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि समय समय पे औचक रूप से कार्यालयों को देखा जाए, समय से हमारे जो ऑफिसर्स हैं कर्मचारी हैं बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे। पब्लिक से रिलेटेड बहुत से मुद्दे जीएसटी ऑफिस के होते हैं, उसको लेके भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प डेस्क का मैसेज होना चाहिए। कुछ लोग एबसेंट हैं जिसमें जाके जो ऑफिसर्स हैं उनसे पूछेंगे कौन कहाँ पे था, और कुछ लोग अवकाश पर बताए गए उनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाएंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो देखी है मैंने कि जहाँ पे बायोमेट्रिक है ठीक, वहाँ पे भी देर से आने के काफ़ी सारे मामले हैं, क्योंकि जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि हमारा एक फिक्स टाइम है, पब्लिक भी उसको लेके आती है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता। सर जीएसटी चोरी को लेकर भी नहीं, जीएसटी चोरी की समीक्षा आज मैं नहीं कर रहा था, उसकी अलग से कोई बैठक करेंगे। उसमें जीएसटी समय समय पर रेड्स करती भी है, उनके अपने प्रिवेंटिव एक्शंस भी होते हैं। आज आज का बेसिकली ये वाला टास्क।